जिन लोगों को प्लांट्स ग्रो करने का शौक होता है ना, तो जब भी वो लोग किसी पौधे को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो हमेशा इस चीज़ की उत्सुकता रहती है कि कब उसमें नया ब्रांच, स्टेम, पत्ती या फिर कुछ भी ग्रो करता है, कब होगा ऐसा। ऐसा ही होता है ये एक सेंसिवेरिया का प्लांट, जिसको हम लगाते हैं, एक लेके आते हैं और सोचते हैं कि कब इसमें नई ग्रोथ आएगी, कब ये गमले को हमारे भर देगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो पूरा अपडेटेड होने वाला है। तो ये प्लांट है मदर ऑफ टंग, कहें चाहे सेंसिवेरिया कहें, चाहे स्नेक प्लांट कहें, बहुत सारे इसके नाम है। तो ये है वेरिएटेड वाला प्लांट। तो ये प्लांट आपको काफी सारे वैरायटी में मिल जाते हैं, ड्वार्फ होंगे, मिनी होंगे और थोड़े मीडियम साइज के होते हैं, तो मिल जाते हैं आपको 50 से लेकर 250 तक के प्राइस रेंज में। तो ये प्लांट है नासा द्वारा रिकमेंड किया हुआ वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट, जिसको कि आप अंधेरे में रखें, उजाले में रखें, धूप में रखें, बारिश में रखें, कहीं भी रखें, ये अच्छे से चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसकी ग्रोथ, कितना फास्ट ग्रोथ का प्लांट है। तो यहाँ पे मैंने ये टंकी में ना ऐसे इसको लगा दिया था, प्लांट को कुछ 7-8 महीने हुए हैं और इसमें बेबी पब्स जो है निकलने लग गए हैं। तो जो बेबी पब है ना, अप्रैल का है और अब देखिए जुलाई में, मतलब 3 महीने के बाद ही ये जो बेबी प्लांट्स है ना, वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये मेरा एक 10 इंच का सेरेमिक पॉट है जो कि पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ से मैंने ना 2 प्लांट निकाल के किसी को देने थे तो दे दिए, और उसके बाद में जो ये बेबी पब बचा हुआ है ना, तो इसको भी मैंने ग्रो किया था, देखते हैं ग्रो करता है कि नहीं। तो बस सिंपली ना मैंने इसके अपर वाले पार्ट को ऊपर रखा था और जहाँ से रूट्स डेवलप होंगी उसको मैंने नीचे रख के ऐसे करके दबा दिया था मिट्टी में, नवंबर में किया था। और ये रहा अप्रैल का रिजल्ट, तो मतलब आफ्टर 4 to 5 months का इसने टाइम लिया। तो ऐसे भी आप ना इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, आपको कहीं से पब ही मिल जाए तब भी आप ग्रो कर पाएंगे इसको। और यहाँ तक कि आप इसकी पत्ती को कट करेंगे ना, मिट्टी में दबा देंगे, तो वो चीज भी ग्रो कर जाएगी। बट मैंने कभी लीव से जो है ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरे प्लांट्स तो हैं ही इतने सारे, तो क्या पत्ती वगैरह से ग्रो करके ट्राई करना। तो अब ये देख रहे हैं ये गमला मेरा ये फोड़ देगा इसको, तो मैं अब इसमें से निकालने वाली हूँ इसको। और मैं पिछले 1 साल से ना इस प्लांट में से, इस गमले में से कई सारे प्लांट्स जो हैं इधर उधर दे चुकी हूँ, फिर भी ये बढ़ता ही जा रहा है, इसमें बेबी प्लांट्स निकलते ही रहते हैं। तो अभी जो है मार्च का टाइम है और अब मैंने इसको निकाल दिया है, बहुत मुश्किल से निकला था, ये सूखी मिट्टी में नहीं निकल रहा था, तो मैंने थोड़ा इसमें पानी डाला तब जाके ये निकला बाहर। इसकी जो रूट्स है ना, वो बेबी प्लांट्स निकालने के चक्कर में ना साइड साइड में ही ग्रो करता जाता है, नीचे गहराई में नहीं जाती ज्यादा इसकी रूट। तो इस गमले में ना मैंने 3 पौधे लगाए थे, इसके 1.5 साल हो चुका है और रूट बाउंड अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि 3-4 साल ना आराम से छोटे से गमले में ये चल सकता है, बस साइड से ही ना बेबी प्लांट्स निकालने की वजह से रूट्स इसकी बनती रहती हैं ज्यादा, क्योंकि जड़ें इसकी इतनी नहीं फैलती, लेकिन जो बेबी पब्स निकलते हैं ना वो गमले को तोड़ देता है। अगर 1 साल से ऊपर हो गया कोई पब नहीं निकलता है, तो आप उसको प्लांट को निकाल के ना वापस से 1 साइज बड़े गमले में लगा दें। ये देखिए अंदर से कहां कहां से निकल के ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर को आए, लेकिन जगह ही नहीं बच रही है, उसमें गमले ही तोड़ देंगे। इससे पहले तो निकाल ही लिया मैंने इसको। तो इसमें से मेरे को इतने सारे प्लांट्स मिल गए हैं, तो बाकी मैंने जो है ना बांट दिया इधर उधर, बस 2 ही रखे इस पॉट में, वापस से लगा दिया मैंने, सेम उसी मिट्टी में ही लगा दिए, कुछ ऐसा झंझट नहीं है। इसकी मिट्टी में पानी बना रहे नहीं बना रहे, गीली रहे नमी रहे, कुछ भी रहे, सब चीज में सर्वाइव करता है प्लांट। बहुत ज्यादा हार्डी, रफ एंड टफ होता है ये प्लांट। ऐसा है कि आप इसको देखो मत देखो, केयर करो कुछ नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा है रख के भूल जाओ तब भी ये चलता है। और यहाँ तक कि आप इसको पानी दें या फिर ना दें तो वो भी इसको चलता है, बट फिर भी एक सेफ साइड में प्लांट है, पौधा है, तो उसको थोड़ा बहुत पानी प्यार दे दें, सही रहता है। ये देखिए मैंने वॉश कर दिया है, तो मतलब कितने सारे बेबी प्लांट्स इसमें निकले ही जा रहे हैं, मतलब नहीं कहाँ निकल के जाएंगे, इतने सारे जगह भी नहीं बच रही है उसमें, तो बस निकल गए हैं अभी, ये मैंने बांट दिए इधर उधर। और एक ये वाला प्लांट जो है मैंने ऐसे सिंपली टंकी में ही लगा दिया था अपने, जिसके नीचे कोई रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है ना, कुछ इसमें रूटिंग हार्मोन, हल्दी, चंदन कुछ नहीं लगाना है, बस सिंपली मैंने मिट्टी में लगा दिया, देखते हैं चलता है कि नहीं। तो इसको मैंने लगाया था मार्च में और ये रहा लास्ट अप्रैल का टाइम, देखिए रूट्स इसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो ये प्लांट ऐसे भी चल जाता है, अगर कहीं से आप चोरी करके निकाल के ला रहे हो और निकल नहीं रहा है प्लांट, इतना ही आ गया, तो आप इतना भी ग्रो करें ये भी चल जाएगा। और एक ही महीने में जो है ना इसमें रूट्स भी बन जाती हैं। तो आप इसको इंडोर रखें, आउटडोर रखें, आपकी मर्जी है, बस इंडोर जब आप रखते हैं ना तो ऐसी जगह पे रखें ना ब्राइट लाइट इसको मिले। वैसे तो आप इस प्लांट को ना पूरे अंधेरे कमरे में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ना ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखें, पौधा है रोशनी तो चाहिए ही रहेगी, क्यों जानबूझ के उसको मारना है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए ब्राइट लाइट वाली जगह दें। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 प्लांट्स लगाए थे ना सेरेमिक पॉट में,
एक महीने के अंदर ही ना इसमें जो है बेबी पर्प्स फिर से निकलने लगे, तो यहाँ से मैं बेबी पर्प्स को निकाल के किसी को दे रही हूँ, किसी को चाहिए थे। फरवरी से लेके नवंबर तक आपको इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, और जब विंटर का टाइम होता है तब ये स्लीपिंग पीरियड में चला जाता है, तब आपको इसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन में ना आपको इसमें ज़्यादा जो है ना बेबी पर्प्स निकलते नज़र आएंगे। यहाँ तक कि आप छोटा सा बेबी पर्प भी ग्रो करते हैं ना तो वो भी 1-1.5 साल में मैच्योर हो जाता है और फिर वो भी है ना बेबी पर्प्स बनाने लग जाता है। ये प्लांट घर में लगाना लकी होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि पॉइजनस भी रहता है। कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है इसमें, लो केयरिंग है, लो मेंटेनेंस है, वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, कैसी भी मिट्टी में लगाए, कैसे भी गमले में लगाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस अपडेटेड वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही मेरे चैनल पे ऐसे रिजल्ट और अपडेट के साथ में वीडियोस आती रहती हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।